नमस्कार, फ्रेंड मैं हूँ चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ IRCTC के ऊपर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लेबल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि इस लेबल के आसपास आपको ज़रूर से ज़रूर माल उठा लेना चाहिए और इस लेबल के आसपास आपके पास माल होना ही चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है और ये लगभग आज जो लो बनाया है स्टॉक लगभग 730 रुपये के आसपास इसने लो बनाया है। और अगर हम इस स्टॉक की 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई बहुत ही ऊपर लगभग 1280 रुपये के आसपास 52 वीक हाई है और 52 वीक लो लगभग 310 रुपये के आसपास है। लगभग 20 लाख शेयर होल्डर से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं और 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 90% का इसी स्टॉक में रिटर्न है और ये कंपनी लार्ज कैप है और ऑनलाइन सर्विसेज में काम करती है, जो कि एशिया का नंबर 1 रस मतलब भीड़ वाली साइड है, ठीक है ना। अगर हम इस स्टॉक के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है, ये उसी लेवल के आसपास ये पहुँचा है जिस लेवल के आसपास कुछ वीक पहले ये पहुँचा था, मतलब पिछले हफ्ते, और अभी उसी के आसपास ये एक सपोर्ट का लेवल लिया है, ठीक है, जो कि ये सपोर्ट का लेवल था उसका वो तो तोड़ दिया है और अब ये लगभग 700 रुपये से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो इसका एक लेबल रहेगा वो लगभग जो लेबल आपको देखने को मिल सकता है वो ये लेबल के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, लगभग 640 रुपये के आसपास स्टॉक आ सकता है और वहाँ से सपोर्ट ले सकता है लगभग 500 रुपये के आसपास। तो आपको यहाँ पे भी एक ध्यान देना चाहिए और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं, आप मंथली वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लेवल आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। हो सकता हो यहाँ से मार्केट में एक बहुत ही बुलिश आपको देखने को मिले क्योंकि सामने एक ज़बरदस्त क्वार्टर भी आने वाला है और वार भी लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, इस लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूर सोचना चाहिए लंबे टाइम होराइजन के लिए। अब ध्यान से सुनिए, लंबे टाइम होराइजन के लिए इस लेवल पर आपको ज़रूर से माल उठाना ही चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप इस लेवल पर माल ज़रूर उठाएं, ठीक है। और अगर हमें देखिए अगर हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम कितना माल उठाएं, देखिए यहाँ पे आप 50% माल उठा लें। अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टर हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे माल उठा सकते हैं और जितना ये नीचे जाए आप धीरे धीरे करके ख़रीदारी कर सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, जो जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है, वो यहाँ पर बाइंग करें, ठीक है। बाइंग करने के बाद थोड़ा सा लगभग एक लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगा के आप चलिए। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो लगभग नेक्स्ट लेवल आपको 500 रुपये के आसपास इसका दिख सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ की बाइंग की तैयारी फिर करें अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। अगर यहाँ पे एक मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है तो आपको यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट किए रहेंगे तो आपको जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करने का एक बढ़िया मौका रहेगा, जो कि आपको लगभग 900 रुपये के आसपास भी अगर जाता है स्टॉक तो भी लगभग आपको 150 रुपये तक का पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है,